अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये शलवार सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। कटिंग से पहले मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ। शलवार की लेंथ हम 36 इंच तैयार करेंगे। शलवार की चौड़ाई हम 21.5 इंच पर तैयार करेंगे। पोंचा हमने 8 इंच तैयार करना है। ये कपड़े को प्रेस करते हुए हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए, कुछ उरेब आ चुकी है। सबसे पहले हम इसकी उरेब निकालेंगे। नेफे की फोल्डिंग के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। शलवार की लेंथ हमने 36 इंच पर तैयार करनी है। इंची टेप को इस निशान के ऊपर रखते हुए हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। पांचे की फोल्डिंग के लिए हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, कपड़े को हमने फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। इसमें किसी किस्म की कोई सिलवट नहीं है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद हम आसन का साइज करेंगे। ये देखें, आसन हमारा 15 इंच पर तैयार है। इंची टेप को इस निशान पर रखते हुए हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शलवार में अगर हमें जोड़ डालना हो तो उसके लिए 2.5 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे और यहाँ तक अपनी कटिंग कंप्लीट करेंगे। पाइचा हमने 8 इंच तैयार करना है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये साइज वाली शलवार ऐसे रखते हुए भी आप निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे आसन का साइज है। यहाँ पर हमने निशान लगाया है और कटिंग करनी है। इसके बाद हम ये पांचे की फोल्डिंग वाले हिस्से को इस तरह रखेंगे और ये निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। अब हमने शलवार की चौड़ाई कंप्लीट करने के लिए यहाँ जोड़ लगाने हैं। ये हमारी शलवार की लेंथ से बचा हुआ पीस है। हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ रखते हुए यहाँ से कट कर लेंगे। ये जोड़ लगाने के 2 तरीके हैं। अगर आप ऊपर का घेर ज़्यादा चाह रहे हैं तो आप इस तरह का जोड़ लगाएंगे। अगर आप चाह रही हैं कि ऊपर का घेर कम हो और नीचे का ज़्यादा हो तो हम उसी हिसाब से रखेंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। ये हमारी शलवार की साइड से बचा हुआ पीस है। हम इसको इस तरह रखेंगे। इंची टेप को इधर रखेंगे और 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 15 इंच पर हमने आसन तैयार करना है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम ये निशान लगाएंगे और शलवार की चौड़ाई हमने 21.5 इंच तैयार करनी है। इंची टेप को यहाँ रखेंगे और 22 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम इन जोड़ों को शलवार के साथ अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये याद रहे, ये देखिए, इन जोड़ों का एक हिस्सा लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। जो शॉर्ट है वो आसन का हिस्सा है। ये देखिए, हम इस लॉन्ग हिस्से को शलवार के साथ अटैच करेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, एक साइड से हमने जोड़ लगा लिया है। अब हम बाकी के जोड़ भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने चारों जोड़ लगा लिए हैं। और ये देखें, आप चाहें तो इन जोड़ों को प्रेस कर लें। अब हम इन जोड़ों को आपस में इस तरह टच करते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आसन के एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड से लगाएंगे और लास्टिक गुजारने के लिए हमने नेफे को खुला रखना है। तो 2 इंच की दूरी पर हम ये निशान लगाएंगे और इस तरह इस कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे। वीडियो
व्यूअर्स, ये आसन की सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने नेफा फोल्ड करना है। सबसे पहले हम यहाँ सिलाई लगाएंगे इस तरह। उसके बाद अगर आप नए सीखने वाले हैं तो इस तरह निशान लगा लें दो दो इंच के फासले पर, और ये इस्त्री की मदद से इसको इस तरह प्रेस करते हुए फोल्ड कर लें नेफे को, और एक बार इसे फिर फोल्ड करें और यहाँ सिलाई लगाते हुए आप नेफा कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों कपड़ों को ढीला रखते हुए हमने ये नेफे की सिलाई लगानी है। ये नेफे की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम पैंचा तैयार करेंगे। ये पैंचे के लिए हमने एक इंच की चौड़ी स्ट्रिप कटिंग कर ली है। पहले हम शलवार का साइज करेंगे, उसके बाद हम ये स्ट्रिप चिपकाएंगे। ये देखें 36 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये स्ट्रिप हमने शलवार की उल्टी साइड पर चिपकाई है। अब हम यहाँ से भी प्रेस कर लेंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे पांचे पर भी ये स्ट्रिप चिपका लेंगे। ये दूसरी साइड से भी हमने स्ट्रिप चिपका ली है। अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी सिलाई हमने जिप्स की स्ट्रिप के ऊपर लगानी है। ये हमने दूसरा पांचा भी तैयार कर लिया है। ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने एक इंच रखी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो साइड वाली शलवार इसके ऊपर रखकर आप निशान लगा सकते हैं और फिर सिलाई लगा लें। ये सिलाई आप हल्का सा खींचते हुए लगाएं। सिलाई को यहाँ रोकते हुए अब हम आसन का साइज करेंगे। आसन हमने 15 इंच तैयार करना है। यहाँ हम निशान लगाएंगे 15 इंच पर और यहाँ सिलाई ख़त्म कर लेंगे। अब दूसरी सिलाई हम दूसरे पौंचे से स्टार्ट करेंगे। इस पौंचे का साइज करते हुए हम यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ हम डबल सिलाई लगाएंगे। सिंगल सिलाई अक्सर औकात उधड़ जाती है। ये देखें फ्रेंड्स, ये साइड की सिलाई लगाते हुए हमने शलवार कंप्लीट कर ली है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।